बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश शर्मा व महासचिव डॉक्टर विजय रॉय ने बताया कि बीएमओ घुमारवीं का निलंबन न सिर्फ एक तरफा कार्रवाई है बल्कि इससे सरकार की तानाशाही का भी पता चलता है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर निलंबन के आदेश शिकायतकर्ताओं के पास आना तथा अधिकृत कार्यालय पहुँचने से पहले ही आदेशों का वायल होना दर्शाता है कि सचिवालय में सीएम से ज़्यादा अन्य लोगों की पकड़ है, क्योंकि सरकारी कार्यों में क्रमित होने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि अधिकारी का काम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम लेना होता है, यदि वास्तव में उक्त कर्मचारी मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहा था तो उच्च अधिकारियों को अवगत करवाता या फिर पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाता, लेकिन गत 13 जून को शिकायत का होना और चंद घंटों में लोगों के व्हाट्सएप पर बीएमओ घुमारवीं का निलंबन होना सरकारी तंत्र पर व्यक्तिगत रसूख के हावी होने को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बारे में निष्पक्षता से जांच करवानी चाहिए ताकि सरकार की छवि को खतरा करने वालों को बेनकाब किया जा सके। वहीं पश्चिमी बंगाल में दो जूनियर चिकित्सकों पर कातिलाना हमले के मामले पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। चिकित्सकों की सुरक्षा की गारंटी प्राथमिकता के तौर पर होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके पैतृक गांव जिला बिलासपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां पर लोगों ने उनकी नियुक्ति पर मिठाइयां बांटी, वहीं पटाखे चलाकर और नारेबाजी करके अपनी खुशी का इजहार भी किया। जेपी नड्डा के पैतृक गांव विजयपुर में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। सोमवार को जहां देशभर में श्री सदगुरु कबीर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, वहीं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी कबीर जयंती समारोह की खास धूम देखने को मिली है। मंडी जिला के तहत हराबाग, पुलघराट, दानबग्गी और टारना में कबीर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। कबीर गुरुद्वारा टारना कमेटी के अध्यक्ष रूप सिंह कौडल ने बताया कि कबीर जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा पहुंचकर सदगुरु कबीर साहिब के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि जयंती के अवसर पर कमेटी के द्वारा भव्य नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में संगत ने भाग लिया है। गिरी नदी जहां लोग गर्मी से राहत पाने और मौज मस्ती के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उसी शांत नदी में उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि जैसे ही वह नदी में तैरने के लिए उतरते हैं, कुछ ही समय बाद नदी का पानी उन्हें अंदर खींच लेता है और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो केवल उसकी लाश ही बाहर निकलती है। इस साल करीबन दर्जन भर युवाओं को ये नदी अपना निवाला बना चुकी है, लेकिन नौजवान है कि फिर भी यहाँ पर आने से बाज नहीं आते हैं और इस नदी में अब तक एक इंजीनियर वरुण शर्मा की डूबने से मौत हुई है। ये युवक पठानकोट का बताया जा रहा है, जो कि राजपुरा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा था। सूत्रों की माने तो वरुण कुछ दिन पहले ही यहां आया था और उसे इस जगह से बहुत लगाव हो गया था, इसलिए वे अपने और मित्रों के साथ यहाँ घूमने आया था, लेकिन अफसोस की बात है कि इस नदी ने उसे निगल लिया। समाज सेवी जगमोहन मल्होत्रा ने सिरमौर और सोलन के प्रशासन से अपील की है कि वह यहां होमगार्ड और पुलिस के जवानों को तैनात करे और इस नदी में जहां हादसे होते हैं वहां कंटीले तारे लगाए ताकि इस तरह का हादसा नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी यहां पर एक युवक की मौत हो चुकी है और यहां अक्सर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस पर निश्चित तौर पर अंकुश लगाना चाहिए।
परल घाटी का टमाटर उत्पादक किसान इन दिनों परेशान है। टमाटर की बंपर फसल होने के बावजूद घाटी में टमाटर के पेड़ों को अचानक एक ऐसा रोग लग गया है जिससे टमाटर के हरे भरे पेड़ अचानक सूखते जा रहे हैं और फसल भी तबाह होने की कगार पर है, जिससे यहां का किसान परेशान है। हालांकि किसानों ने टमाटर की पौध पर कड़ी मेहनत की है। इन किसानों की माने तो इन्होंने टमाटर की सिंचाई के साथ साथ समय पर टमाटर के पेड़ों पर दवाइयों का विधिवत रूप से छिड़काव भी किया। बावजूद इसके टमाटर के पेड़ एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गए हैं कि किसानों की पूरी फसल तबाह होने लगी है। टमाटर उत्पादक किसानों का आरोप है कि टमाटर की फसल लगाने के समय कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी कृषकों को फसल में लगने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी टमाटर की फसल बर्बाद होने लगी है। इन किसानों ने सरकार से मांग की है कि आने वाले समय में फसल बिजाई से पहले ही कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आम जनता के बीच जाकर सब्जी उत्पादक किसानों को जागरूक करें। वहीं अब टमाटर की फसल बर्बादी की कगार पर होने के कारण परेशान किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग भी कर रहा है।